हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुमनियस ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज धूप अच्छी निकली है और मैंने भी बहुत सारे काम कर लिए हैं। मैंने छत पे गेहूँ धुलाई किया है, बहुत सारे काम किया है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मैं बाहर आई थी आप लोगों से बात करने, अंदर थोड़ा अंधेरा लगता है ना, इसलिए तो नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ, ये मुट्ठे से मैंने दाने निकाल लिए हैं और दो मुट्ठी मैंने चावल भिगो दिए थे। चावल को मैंने साफ़ पानी से धुल लिया है। अब मैं इसे दोनों को ग्राइंडर जार में पीस लूँगी। पेस्ट हमारा ये पीस के तैयार हो गया है, खूब अच्छा सा। मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा जीरा, थोड़ा धनिया, थोड़ा सब्ज़ी मसाला। अब चटपटा सा तैयार हो गया। भुट्टे का पेस्ट है, आपको बेसन जैसा लग रहा है। चिल्ला हमारा बन रहा है, तो देखिए आप, ये चिल्ला उसे दिखाना। बढ़िया बन जाएगा चिल्ला। पूरा हो जाए, बढ़िया फूल गया था, पक गया था। बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है चिल्ला। तो सोने जाए, हमें जाए। बहुत स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी बना है ये। इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। पेस्ट देखने में
तो ताजे भुट्टे का नाश्ता हमारा कैसा लगा? अब हम लोग खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। अब मुझे लग रहा बहुत टेस्टी बना है, तो अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। भुट्टे के दाने के पेस्ट से बनाए गए चिल्ले खा ले तो कैसा बना हुआ है। आप लोग खाइए, वो टेस्टी है। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम। आप भी बोलिए सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के। क्यों भाई कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, तारीफ कर रहे हो। तारीफ नहीं करते हैं, बच्चा तो बना है। खाना बनवाया है, खाने में इन्होंने बनाया है तहरी। तो हम लोग आज दोपहर का लंच एंजॉय करने जा रहे हैं। मुझसे छुप छुप के तेल नहीं लगाया हम अपने बाल में। तेल नहीं लगाया, लगा देंगे। तहरी कैसी बनी पापा के हाथ की बताओ? बढ़िया, अच्छी लग रही है देखने में। तो मुझे भी अच्छी लग रही है, एकदम बढ़िया। हर संडे को हम लोग आते हैं शॉपिंग करने, आज भी आना पड़ा। तो मैंने वीडियो सही से नहीं शूट किया था, जो भी है वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो संडे को भी आना पड़ा, उसके बाद जाके मुझे फिर कुछ स्पेशल बनाना है, क्योंकि संडे को आज तीनों टाइम स्पेशल ही हो गया है। मैं सारी तैयारी करके गई थी, और ये मसाला है, आज मसाला डोसा बनेंगे हमारे यहाँ। तो बहुत मेहनत पड़ गई आज मुझे, क्योंकि ये डोसा वगैरह बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तैयारी करने में भी। तो एक ही एक बनाना होता है खड़े होके। तो इडली सांभर डोसा और चटनी चटनी है हम बार बार नहीं खाएंगे। तो हर संडे को घूमना हो जाता है, घूम के आई हूँ। अब किचन का काम ख़त्म करके बहुत थक गई हूँ, और डोसा आज शाम को बना। और यस के लिए मैं बना के गई थी, तैयारी तो की ही थी, क्योंकि अगर कहीं जाना होता तो यस के लिए मैं बना के जाती हूँ। तो और वीडियो मैंने सानवी से शूट करवाया, सानवी ने खड़ी शूट कर लिया था, तो वही मैंने ऐड कर दिया। तो और सुबह तो मैंने बताया था आपको, ताजे भुट्टे के दाने से मैंने वो चिल्ला जैसा नाश्ता बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी बनाइए एक बार ज़रूर बनाइए। तो अब मैं और दोपहर की तहरी मैंने इनसे बनाया था, मैंने कहा अब मैं भी बना बना के ऊब गई हूँ, बिल्कुल बोर हो गई हूँ, अब तुम बनाओ कुछ तो हम खाएंगे। क्योंकि अपने हाथ का खा के अच्छा नहीं लगता कुछ, कोई और कुछ भी बना देता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब काम ख़त्म करके अब मैं नहा के आई हूँ, सोने जा रही हूँ। तो आप लोग बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए। गुड बाय, राधे राधे, थैंक यू।